की पत्नी के आपसी विवाद में चली गोली, घरेलू कलेश में चली गोली से एक घायल, पत्नी से पति छीन कर ले गया दोनों बच्चे, गोली के चलने से क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, घायल के खून से फर्श हुआ लाल। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पूरनपुर सीओ और कोतवाल भारी पुलिस फोर्स। बताते हैं उत्तराखंड खटीमा की रहने वाली लड़की ने 7 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर मझोला के रहने वाले प्रदीप सिंह से शादी रचा ली थी और अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी, जिसके बाद उसके अब 2 बच्चे हैं। वहीं पति पत्नी के झगड़े होने लगे। अधिक झगड़ा होने के बाद पति से नाराज होकर पत्नी अपनी बहन बहनोई के घर पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव शेरपुर कला आ गई थी। बीती रात मझोला से उसका पति अपने कुछ साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर शेरपुर कला मोहल्ला नौगमा में पत्नी के बहनोई के घर धावा बोल देता है। पत्नी के साथ मारपीट कर गाली गलौज करने लगा। इसी बीच झगड़ा काफी बढ़ने पर साथ में आए साथियों व देवर ने गोली चला दी, जो साथ में आए पति के साथी को लग गई। उसी बीच पत्नी से दोनों बच्चों को पति ने छीन कर और गोली से घायल हुए अपने साथी को अपनी ही गाड़ी में लेकर फरार हो गए। वहीं शेरपुर में हुई इस घटना में गोली से घायल को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ पूरनपुर सीओ कोतवाल शेरपुर कला में हुई इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो आए थे वो मेरे हस्बैंड थे, मझोला ससुराल है, खटीमे की रहने वाली हूँ। गोली मेरे वो देवर ने चलाई, उनका दीपक नाम है। ये ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई थी थोड़ी सी, गुस्से में मैं अपनी बहन के यहाँ आ गई थी। फिर वो बहन को मैंने मना कर दी, बताना मत ही ऐसी ऐसी बात हुई, मुझे मारते हैं। फिर बहन बोली ठीक है नहीं बताएंगे, जब फोन करेंगे तो क्या कहते हैं बताएंगे उनको, फिर बैठ के बात करेंगे। बहन बोली फिर क्या कहते हैं, बोले बहन को फ़ोन करते रहे, बहनोई को करते रहे, नहीं बताया इनको, 2-3 दिन हो गए। फिर इनको चुके यहाँ पे, फिर वो देखने के बहाने आए रात में, तो घर में घुस गए। हम लोग तो सो रहे थे, घर में घुसने के बाद गाली गलौज करने लगे। फिर बोले बच्चे लेने, सब रोकते रहे, बात करते रहे कि बैठो बात करनी, नहीं, वो अपनी गाली गलौज कर रहे। मुझे मारने भी आए एक बार, मेरे घर वालों ने सब ने बातें करी। उसके बाद बच्चे उठाए, बैग उठाया, चले गए। मैंने कहीं बच्चे नहीं जाएंगे, मैंने दे दिए। फिर मैं नहीं रोकी बच्चे, मैंने दे दिए बच्चे, जबरदस्ती मेरे से बच्चे ले गए। और सर वो भाई के रिश्तेदार है, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने रोकने की कोशिश करी कि परेशान है, वो रो रही है। तो जब उन्होंने पकड़े बच्चे तो उन्होंने गोली चला दी, वो हट गए, तो गोली उन्हीं के आदमी को लगी।